मैं एआर बोकारवी ग्रामीण टीवी में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे जयराम दा टाइगर जयराम दा ओल्हान के क्षेत्र में निर्मल दा के समाधि स्थल पर गए, वहाँ भी मालार्पण किए, निर्मल दा की प्रतिमा पर भी मालार्पण किए। अच्छा लगता है, बहुत बड़ा बात है। अच्छा ना बोलेंगे कि हिंदी में समझ पाइए, भाषा के भोजपुरी और मगही भाषा के वापसी के बारे में रणनीति की हो तुम साफ सब सब रणनीति तो हजार बार एकदम क्लियर कह दिले कि लड़ाई हो खतियान आधारित नियोजन नीति, स्थान नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति। अगर इन सब नीति नहीं बनते तो आज झारखंड के लोग बनते बाहरी लोग के बाबू बनते बेमानी है रहो, अतिक्रमण भय रहो, बाहरिया घुसपैठ लगातार भय रहो। अभी कुछ देर पहले क्या सभा कर लिया वो सही नहीं कांगे लग लो कि किसको हमारे जमीन जबरदस्ती हड़प रहा है। हमारे इलाका 1935 के देखे लो कागज का कलम कि हाईकोर्ट में अगर केस भी चल, लेकिन फोर्स के माध्यम से कंपनियों पर लाखों टाका हो तो कहीं ना कहीं टाका के जोर से, शक्ति के जोर से, सत्ता के जोर से, जो झारखंड के गरीब आदमी हो अगर जल जमीन जंगल पर संकट हो लगातार अगर आवाज दबाए रहो, आज अगर झारखंडी लोग नहीं लड़ लो तो आने वाला दिन आर बहुत विकट परिस्थिति है। तो ऐसे खातर ही लड़े तैयार है नया झारखंड का निर्माण कर। झारखंड ऐसे नहीं मिला, इतना शहादत के बाद झारखंड मिल रहे, लाखों लाख लोग शहीद हुए, सब जगह झारखंड मिल रहे। कैलाश यादव जो है कि अलग राज्य की डिमांड हो गई, देखिए सबसे पहले बात तो कैलाश यादव जी जो भी है हम उनसे मिले कभी नहीं है, हो सकता है अच्छे व्यक्ति होंगे, व्यक्ति कभी बुरा नहीं होगा, उनके विचार कहीं उनके विचार समझ से बड़े हैं। उन्हें सबसे पहले उन्हें खुद का जो बिहार के सीएम थे माननीय 1981 के आसपास जगन्नाथ मिश्र जी, उनका स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए तो उन्होंने स्पष्ट कहा था जो भोजपुरी है वो भाषा नहीं बोली है, पर बोली को भाषा का मान्यता नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने उस समय बल्कि झारखंड में जो हमारी लैंग्वेज थे कुड़माली, संथाली, मुंडारी, उनके अलावा जो पटा इन लैंग्वेज को बिहार सरकार में मान्यता दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो कैलाश यादव जी हैं उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, उन्हें पहले जानना चाहिए, खुद उन्हें जगन्नाथ मिश्र जी के बयान को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उन्हें बात करनी। वो बोल रहे हैं कि हमारे बुद्धिजीवी आंदोलन के साथ हैं। देखिए जो बुद्धिजीवी हैं वे साथ नहीं है, जो अतिक्रमणकारी हैं, जो घुसपैठिए लोग हैं, जिनको लोगों को सताने में अच्छा लगता है, लोगों को जमीनें छीनने में अच्छा लगता है, लोग यहाँ का अधिकार को छीनना अच्छा लगता है, ये लोग उनके साथ हो सकते हैं। बुद्धिजीवी ने कि बिहार के एक हाईकोर्ट के जज का फोन आता है, उन्होंने स्पष्ट तर्क दिया कि जिस समय झारखंड के लोग जंगल वनों में रहते थे उस समय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था, उस समय बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो बिहार की भाषा और झारखंड की भाषा अगर एक जगह खड़ा करके पढ़ाई किया जाएगा तो झारखंडी लोग दम तोड़ देंगे। तो बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाता है, एक मड़वाड़ी थे, जैन समाज से राजस्थान से फोन करते हैं, बिल्कुल आपकी लड़ाई वाजिब है, थर्ड फोर्थ ग्रेड में अगर सबसे पहले 90% होना चाहिए झारखंडी होना चाहिए, खतियान आधारित भोजपुरी और मगही को हटा को दिया बोकारो धनबाद, पूरे राज्य में उर्दू ला कर दिया क्षेत्रीय भाषा। देखिए हम इस पर आप देख रहे हैं, आप मुसलमान वर्ग भी खुल के सामने आ रहा है, वे भी जान रहे हैं कि अगर आज मुसलमान अगर धर्म का अगर मुद्दा ऐसे बनाता है, मान के चलिए अगर कोई खतियानधारी मुसलमान अगर उर्दू का समर्थन करता है तो खतियानधारी कोई ऐसा भी वर्ग होगा, विशेषकर मेरे बहुत सारे ब्राह्मण मित्र जो संस्कृत में काफी तेज तरह रहे हैं, जो संस्कृत भी मांग कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं मान के चलिए जो इंग्लिश अच्छा जानते हैं, बहुत सारे खतियानधारी जिन्होंने अपना आस्था को परिवर्तन किया है, इंग्लिश स्कूल में पढ़े तो इंग्लिश भी तो बोली जाती है, तो इंग्लिश की मान्यता करेंगे, पूरा बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए, तो ये तो इंग्लिश की मान्यता करेंगे। इसलिए मुसलमान खुद आगे आ रहा है, वे खुद कह रहे हैं कि हमको उर्दू से कोई मतलब नहीं है, उर्दू और खट्टा में अगर चुनना पड़े तो हम खट्टा को चुनेंगे, अगर हम कुड़माली क्षेत्र के तो हम कुड़माली चुनेंगे, लेकिन अगर झारखंड 1935 तय करती है तो हम लोग उर्दू को कुड़माली देंगे, बिल्कुल वो जायज है। उर्दू देश की भाषा है, उर्दू राज्य की भाषा है, उर्दू क्षेत्र की भाषा नहीं हो सकती। लेकिन उर्दू झारखंड के क्षेत्र में बोली जाती है कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं बोली जाती, आप कहीं जाइए उर्दू की पढ़ाई होती है, पढ़ाई होना अलग चीज है, यही तो आज तक लोग समझ नहीं पाए कि क्षेत्रीय भाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, इसीलिए आज लोगों को वोट राजनीति बनाया जाता है, इसीलिए कैलाश यादव से लोग बक बक करते हैं। पहले समझना होगा तथ्यों को कि रीजनल लैंग्वेज क्या होता है, ये क्षेत्रीय भाषा क्या है, क्षेत्र क्या है, तो जो क्षेत्र बोली जाती है क्षेत्र होता है। अरे उर्दू तो आपका पूरा हिंदुस्तान में बोली जाती है, उर्दू के एक विशाल वो 22 भाषा के साथ 8वीं अनुसूची में है, वो भाषा खत्म नहीं हो सकती, वो भाषा समृद्ध भाषा है।